नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद साला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सालम पंजा के बारे में जानकारी देंगे। सालम पंजा, ये सालम पंजा है, आखिर इसे सालम पंजा बोला क्यों जाता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अरबी भाषा में सालम बोला जाता है लोमड़ी को। लोमड़ी के पंजे के आकार का ही ये होता है, इसलिए हम इसे सालम पंजा बोलते हैं। दोस्तों, सालम पंजा जो होता है ये स्वाद में मधुर होता है, यानी मीठा होता है, और इसकी तासीर जो होती है वह होती है ठंडी। तो इसको आसानी से गर्मी के मौसम में खाया जा सकता है, आप इसे सर्दी के मौसम में भी आराम से खा सकते हैं। सालम पंजा दोषों पे कैसे काम करता है? पित्त और कफ को ये बैलेंस करता है और वात को ये बढ़ाने का काम करता है। सालम पंजा धातुओं में शुक्र धातु को बढ़ाता है, धातु को बढ़ाने का ये काम करता है। सालम पंजा भारत में और तिब्बत में 8 से 12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होता है ये, लेकिन ये बाहर से ज़्यादा आयात होता है। यह अफगानिस्तान और ईरान से ज़्यादा मात्रा में आयात किया जाता है। पुराने ज़माने में सालम पंजा का जो इस्तेमाल किया जाता था वह समुद्र के रास्ते जितने मार्ग आते थे उनमें जितनी यात्राएं करते थे लोग, क्योंकि वो रास्ता जो है कम से कम 6-6 महीने 7-7 महीने या साल भर का समय भी लग जाता था समुद्री रास्ते में यात्रा करते समय, तो उन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे उन्हें पौष्टिक तत्व अपने शरीर के लिए मिल सके, एक ताकत की ऐसी चीज़ मिल सके जो लंबे समय तक स्टोर कर सकें और ख़राब भी ना हो और इसे हर मौसम में खा भी सकें। तो सालम पंजा को वह इसका पाउडर बनाकर इसे जो है पानी के साथ नॉर्मली खा सकते थे। इससे शरीर की ताकत हमेशा बनी रहती थी, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं आता था। जब समुद्री मार्ग के द्वारा जब लोगों को ये पता चला कि इस तरह का एक पदार्थ है जिसे कहते हैं सालम पंजा, उसे खाया जाता है ताकत के लिए, तो अलग अलग स्थानों पर यह पहुँचने लगा और इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा और यह ताकत के रूप में इसे आज खाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में किस तरह से जो है ये सालम पंजा आया और किस तरह ये कौन से रोगों में खाया जाएगा, वो आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, सालम पंजा का उपयोग सबसे ज़्यादा यौन दुर्बलता को दूर करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, लेकिन यह शरीर की हर कमजोरी को दूर करने के लिए भी खाया जाता है। इसको खाने का जो सही तरीका है, 100 ग्राम सालम पंजा पाउडर बना लो, इसमें आप बरगद के फल का चूर्ण लीजिए, बिल्कुल सूखा हुआ फल होना चाहिए 50 ग्राम की क्वांटिटी में, बादाम की गिरी लीजिए 100 ग्राम की क्वांटिटी में, अच्छी तरह से पाउडर बनाकर 5-5 ग्राम जो एक चाय का चम्मच होता है वह रोज़ सुबह और शाम आप इसे मीठे दूध के साथ ले सकते हैं। मीठा दूध नहीं लेते तो फीका दूध ले सकते हैं, गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। यह शरीर के हर प्रकार की यौन दुर्बलता को दूर करता है और शरीर की हर प्रकार की कमजोरी को ठीक करता है। और इसी प्रकार से जिस तरह से पुरुष इसका उपयोग कर सकते हैं, महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं अपनी शरीर की हर प्रकार की ताकत को प्राप्त करने के लिए। सालम पंजा, सफ़ेद मूसली और सतावर, तीनों की बराबर क्वांटिटी लीजिए, पाउडर बना लीजिए बिल्कुल बारीक, और आप इसे 5-5 ग्राम रोज सुबह शाम दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकती हैं। शरीर की हर प्रकार की कमजोरी, यहाँ तक कि दर्द थकावट जैसी समस्याएं भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अगला उपाय उनके लिए है जिनके हाथ पैरों में मांसपेशियों में खिंचावट रहती है, जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहती है, तो आप इस चीज़ से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो सालम पंजा लीजिए, छोटी पीप ली लेना, दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेकर पीस कर पाउडर बना लो, 5-5 ग्राम रोज़ सुबह शाम आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द की समस्या है, मांसपेशियों में खिंचावट है, तो वह कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। आंतों में किसी भी तरह की दुर्बलता यानी कि कमजोरी है, सूजन है, खाना पचाने में परेशानी है, तो सालम पंजा का पाउडर लीजिए 2 से 3 ग्राम रोज़ सुबह शाम गुनगुने पानी से ले लीजिए। आंतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह सब ठीक हो जाएंगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वह खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ आपको गैस, एसिडिटी या अल्सर जैसी समस्याएं हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसी के साथ किसी भी प्रकार की मानसिक थकावट है या शरीर में थकावट बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है, तो सालम पंजा का लगातार उपयोग करने से ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों को वात से संबंधित रोग हैं, शरीर में वात की अधिक मात्रा बढ़ी रहती है, समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी, तो आपको क्या लेना है, सालम पंजा, और आपको लेना है पीपल का सूखा हुआ जो फल होता है उसका पाउडर बनाकर दोनों की बराबर क्वांटिटी मिलाकर और मीठे दूध के साथ
आप इसको रोज सुबह शाम दो टाइम लीजिए। वात से संबंधित जितने रोग हैं आपके शरीर में, आपके कम से कम 6 से 7 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति समुद्री मार्ग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आज के समय में, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सालम पंजा का उपयोग कीजिए। जब समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर विटामिन सी और विटामिन डी की कमी आ जाती है, तो सालम पंजा का उपयोग कम से कम आपको 5-5 ग्राम रोज सुबह शाम गुनगुने पानी से ले लेना, ये आपको जो कमियां हैं, जो और भी कमी आ जाती है शरीर में, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर सालम पंजा आपके पास है, अगर कोई और दूसरी चीज़ जो सामग्री हम बता रहे हैं आपके पास नहीं है, तो खाली सालम पंजे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 5-5 ग्राम रोज सुबह शाम दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले लेना, जितने भी रोग बताए हैं उन सब में फ़ायदा करेगा ये आपके लिए। दोस्तों, आज हमने आपके लिए सालम पंजा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, और भी इसके बारे में जानकारी देंगे आने वाली वीडियो में। पुरुषों के लिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रखी है, आयुर्वेदिक सुपर फार्मूला, आप इसे देखना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है, आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।